मदर है। उसके पैर में किसी का इयररिंग था पानी में, वो घुस गया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है व्लॉग्स विद महेश। गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं टिटवाला। टिटवाला में एक रिसोर्ट है जिसका नाम है डिसूजा रिसोर्ट एंड फार्म हाउस, एंड मुझे ज्वाइन करने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स जो कि अलग अलग लोकेशन से आने वाले हैं। तो हम लोग जो है असेंबल होने वाले हैं टिटवाला गणपति बापा का जो टेम्पल है वहाँ पे हम लोग असेंबल होने वाले हैं। सो गाइज, मिलते हैं आगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नी फ्रॉम आसनगांव टू टिटवाला। आसनगांव से टिटवाला जाते वक्त आपको बीच में खड़ावली नदी लगती है जो कि एक नोइंग प्लेस है। अभी क्राउड इतना नहीं है, बट जब आप समर्स में यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड मिलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे ये है खड़ावली नदी। हेलो गाइस, तो जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग टिटवाला के मंदिर के यहाँ पे सब असेंबल होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मेरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। ठंडी किधर गया? तो ये गाइस आज अपनी टीम है, बहुत फन करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं फार्म के लिए, डिसूजा फार्म के लिए निकल रहे हैं हम लोग अभी, तो मिलते हैं वहाँ पे। फलेगांव के नियर वो डिसूजा फार्म है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंच ही रहे हैं वहाँ पे। संडी कैसा लगा ऑटो में? फाइनली हम लोग स्पॉट पर आ चुके हैं, ये डिसूजा फार्म के गेट के सामने मैं खड़ा हूँ। ये सब अपने फ्रेंड्स है, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, मिलते हैं आगे। से ओ गाइस, फाइनली गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, थोड़ा पहले तो जाके एंट्री भरेंगे, रिसेप्शन पे जाएंगे एंट्री भरेंगे। एंट्री कितना है पर हेड? 800 रुपीज़ पर हेड है, जिसमें आपका फूड इंक्लूड है। अभी हम लोग को ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद लंच करेंगे, शाम का नाश्ता रहेगा, और फिर हम लोग निकलते हैं आराम से 5-6 बजे। तो वन डे रिटर्न के लिए है, हम लोग शाम को निकलने वाले, बट आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, ये रूम्स है। तो वन डे रिटर्न के लिए आ रहे हो तो आपको पर हेड 800 रुपीज पे करना है, एंड अगर आप स्टे के लिए आ रहे हो तो पर हेड 1600 रुपीज समथिंग कुछ है। मॉर्निंग मेनू मिल गया। प्रियंका भूख लगा है क्या? बट तू तो बोली तू वड़ा पाव खा के आई है, इधर कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए खा रही है। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, पे किया है तूने। तो गाइस आपको दो मेन्यू यहाँ पे मिलेंगे, एक है पोहा और एक है उपमा। शशि कितना खाएगा, बस करना। अभी तो दूसरी बार दे रहे बाबा। तो और कितनी बार लेगा? लेना है। अभी 4 बार बाकी है। सब फोटोशूट में बिजी हो गए, मैंने भी अच्छा खासा शूट कर लिया है।
पीछे का व्यू भी देख सकते हो आप। अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं, वो भी दिखाता आपको मैं। बहुत बड़ा है एक्चुअली गाइस ये। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे तो पूरा एक्सप्लोर नहीं किए थे बिकॉज हम लोग ज़्यादातर टाइम स्विमिंग पूल में ही थे। आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। क्या प्रॉब्लम हो रही है? मच्छर बहुत है यार, मच्छर चाक काट रहे हैं। तो ऑडोमॉस लाया नहीं यार अपन। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बाहों में दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। फोटो शूट हो चुका है, झूला झुलके हो चुका है, सब हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं पानी में, अभी चेंज करेंगे और फिर जाएंगे स्विमिंग पूल में। सो इट्स स्विमिंग टाइम नाउ। आप देख सकते हो अभी हम लोग पानी में आ चुके हैं और सबका कहीं मजा आ रहा है। प्रियंका के पैर में कुछ घुस गया है। प्रियंका कहाँ पे लगा? यहाँ पे, यहाँ पे। अरे यहाँ पे। उसके पैर में किसी का इयररिंग था पानी में, वो घुस गया है तो बेचारी रो रही है। लड़ा रहा है क्या? अभी हम लोग जा रहे खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर हम लोग आएंगे पानी में। सब लोग को बहुत भूख लगी है और प्रियंका के तो पैर पे थोड़ा लगा है, वो अच्छे से चल नहीं पा रही है, तो वो भी थोड़ा ब्रेक ले लेगी और लंच भी हो जाएगा। लंच के बाद मिलते हैं गाइस। और पियो, ज्यादा दर्द हो रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए यार। कान की बाली मिली लोग पानी में डाल के जाते हैं, देखो उसको लग गया है। फिर सब निकाल के जाना चाहिए, तो स्विमिंग में जा रहा है वो लोगों को भी निकाल के ही जाना चाहिए। बेचारी के पैर पे लग गया ना, देखो लंगड़ रही है वो। शशि शशि तू क्या खाएगा? चिकन चिकन। सभी सभी खाऊंगी। ओके, पता नहीं क्या है अभी, क्या मिलने वाला है। सब लोग वेजिटेरियन है रे यार, मजा नहीं आ रहा यार। सैंडी भी, तू भी वेजी खा रहे ना सैंडी? श्रावण चल रहा है, श्रावण चल रहा है। वाह, हम खाएंगे नॉन वेज। चलो भाई, हम लोग तो वेज खा ही नहीं सकते, वेज खाएंगे तो पाप लगेगा। अभी देखेंगे खाने में क्या स्पेशल मिलने वाला है। नॉन वेज में तो मेरे को पता है कि चिकन ही है, वेज में क्या है वो देखते हैं। चलो, वेज में पनीर होना चाहिए। क्या इसमें? राइस, दाल, छोले। मुझे लगा था ये छोले। ओके, वेज में छोले।
मिक्स भाजी ओके वेज वाले के मजे फिर शीरा ओके और ये है पापड़ और नॉन वेज वाले क्या खाएंगे कुछ नहीं ओके सो ठीक है वेज वालों के तो मजे है पूरी आ गई है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं नॉनवेज आ रहा है वेज लग चुका है प्रियंका कैसा टेस्ट बहुत सही है yes. You liked it? Yes. Sandy? वेज में कुछ भी चलता है ना उसको टेस्ट कैसा है टेस्ट कैसा है सही है ना छोले अच्छा लगा और बाकी सब अच्छा है ना सही है तो मतलब वेज खा रहे हो फिर भी तुम लोग मजे कर रहे हो है ना और शशि अपन क्या खा रहे नॉन वेज हम लोगों ने खाना खा लिया है जिसको वेज खाना था उसने वेज खा लिया है जिसको नॉन वेज खाना था उसने नॉन वेज खा लिया है और अभी हम लोग फिर पानी में जाने वाले हैं फिर से स्विमिंग करेंगे और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो ये एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है और जो ये लोगों ने बनाया है तो ये भी 5 मिनट्स में स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ा इन्जॉय यहाँ पे करेंगे फिर आप ये ब्लैक होल देख सकते हो ये ब्लैक होल है फिर इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और 1:30 बजे तक के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल देखो आप वो स्टार्ट हो चुका है पानी थोड़ा अभी कम आ रहा है ओवर और पानी आएगा तो अभी बज रहे 4:15 एंड पानी का जो स्लाइड्स का पानी था वो बंद हो चुका है मतलब वो लोगों ने हमें सिग्नल दे दिया कि अभी निकलो निकलो अभी खत्म बहुत तुम लोगों ने एंजॉय कर लिया बिकॉज हम 5 ही लोग थे यहाँ पे और कोई नहीं था तो ऐसा लग रहा था कि पूरा ये जो फार्म है ये हम लोग के लिए बुक था बहुत फन किया गाइस खाना भी बहुत अच्छा था सो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे यहाँ पे तो गाइस मजा किया तो गाइस सब लोग का चेंज हो चुका है सब लोग थक चुके हैं फाइनली निकल रहे हम लोग चाय पी के इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो स्पॉट है ये टिटवाला में है बट टिटवाला से आपको ऑटो करना है और आपको डिसूजा फार्म बताना है सारे ऑटो वालों को पता है नोइंग रिसोर्ट फार्म है ये तो आप
किसी भी ऑटो वाले को पूछोगे तो आपको बता देगा या कि डायरेक्ट लेके भी आएगा यहाँ पे। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही ऑटो वाले को पूछा कि ये डिसूजा फार्म जाना है, तो हमको इजीली ऑटो मिल गया। तो एक गांव है रुंदा, वो भी अगर आप बताओगे ऑटो वाले को तो भी आपको यहाँ पे वो छोड़ देंगे आराम से। जो आप टिटवाला से ऑटो हायर करोगे तो अराउंड 150 तक लेंगे आपसे, बिकॉज हम लोग पहले टिटवाला स्टेशन से टिटवाला टेम्पल तक आए थे एंड टिटवाला टेम्पल से हम लोग डिसूजा फार्म आए थे, तो हम लोगों से सिर्फ 120 लिया था। लेकिन अगर आप स्टेशन से ऑटो डायरेक्ट करोगे तो आपके पास से 150 तक आपको चार्ज किया जाएगा। अभी थोड़ी बारिश स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हो अभी सब लोग छाता लेके रेडी है। मैं पिंक छाता, ये देखो लास्ट टाइम। यही सब था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड रेंट वाला सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज।